है, मैं एक कंपनी का जो डायरेक्टर हूँ, परमेश्वर जाधव, और हमने जो 3 लोगों ने मिला के एक कंपनी बनाई है, एक नंबर चाय। एक्चुअली जब इंडिया का जो चाय का मार्केट, इंडिया का अगर होल वर्ल्ड का अगर देखते हैं हम, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है और इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। जैसे कि फिर हमने क्या सोचा था, अब जहाँ कहाँ हम चाय लेने वगैरह जाते थे पहले, तो ऐसे ठेले पे इस पे उस पे, तो चाय हमें बहुत पसंद आती थी, मगर वो जो ठेले पे जो चाय बनती है उसका हाइजीन ये वो सब ये प्रॉपर नहीं होता है। तो उसमें एक हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी कि जैसे हम अगर इसको एक अच्छे साफ सुथरे वातावरण में, एटमोस्फियर में और हाइजीन कंडीशन में अगर ये चाय सर्व करते हैं, तो लोगों में जो चाय तो बेचती है बेचती है हमारे इधर, मगर जो एटमोस्फियर का और हाइजीन का ये देखते बहुत बड़ा मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं। ये बात को ध्यान में रखते हुए हमने 2017 में चाय के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो चाय के साथ एक्सपेरिमेंट करने का फिर कैसा रहता था कि जैसे कि अभी चाय का पाउडर है वो कहाँ से आता है, कौन कौन से इधर से, जैसे कि आसाम, सिलीगुड़ी, उसके बाद ये साउथ में भी चाय का बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, तो उधर का चाय, ये सभी चाय लेके हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या उसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। जैसे कि अभी सिलीगुड़ी का चाय तो थोड़ा कड़कपन रहता है, इधर साउथ को जाएंगे तो तुम उधर कलर का थोड़ा ये ज्यादा रहता है। तो ये सभी चीजें ध्यान में रखते हुए हमने घर पे ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो फिर अलग अलग चाय लेके उसको ब्लेंड करना, अलग अलग चाय का मसाला का ये करना, मसाले के साथ चाय का ब्लेंड करके ये करना, तो ये सब करते करते हमें हम इस नतीजे पे पहुंचे और एक टेस्ट हमें इतनी पसंद आई कि लोगों को हमने वो टेस्ट करने के लिए दिया। हमें जैसे ही पसंद आई तो लोगों को भी हमने वो टेस्ट करने के दिया। टेस्ट करने के बाद लोगों ने भी वो चाय इतना पसंद किया कि लोग बोले कि एक नंबर चाय है। तो वैसे ही हमने नाम भी उसका एक नंबर कर दिया और उसका ट्रेडमार्क वगैरह सब वो करके एक नंबर चाय से हमने वो ब्रांड नेम से चालू कर दिए। तो उसके बाद इसमें कैसा रहता है, अभी चाय के गार्डन्स रहते हैं आसाम में इधर उधर, तो वो हम प्रोक्योरमेंट के लिए दूसरा एक कंपनी है हमारा, उसके साथ हमारा टाई अप है, और थ्रू आउट द ईयर वो चाय का टेस्ट जो रहता है सेम रहता है। और जैसे कि अभी साउथ है, नॉर्थ है, सब तरफ चाय पीते हैं। कौन से रीजन में कैसा है, थोड़ा कड़कपन कम रहता है, जैसे तुम नॉर्थ जाओगे तो कड़कपन कम रहता है और जैसे साउथ आओगे तो कड़कपन चाय का ज्यादा रहता है। वो हिसाब से हमने 2-3 टेस्ट उसमें डेवलप किए हैं। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में हमारे बहुत ज्यादा कड़क चाय लगती है लोगों को, तो कड़कपन के हिसाब से एक ब्रांड चाय का एक नंबर चाय मसाले के साथ उसको ये किया है, और दूसरा एक नंबर चाय का ही ब्रांड है, तो दूसरे जागरी टी है, उसके बाद प्लेन टी है, उसमें जो मसाला नहीं रहता है। तो इस तरह से हमने डेवलप किया, और मसाला भी जैसे भी हमने मैन्युफैक्चर करना शुरू किया उसमें भी हमने ये ध्यान में रखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम आजकल है, तो चाय पीने के बाद जो एसिडिटी होती है बहुत लोगों को, ठीक है ना, दूध के चाय से एसिडिटी हो सकती है, तो उसमें भी जो मसाले जो है ट्रेडिशनल हमारे, उसमें भी कुछ एसिडिटी ना हो ऐसे कुछ ये रहते हैं, जैसे कि क्लो हो गया आपका, तो उसमें हमने उसकी ये की है, क्लो क्लो का भी मिक्सचर हमने उसमें मिक्स किया है। तो उससे क्या होगा कि जो बार बार चाय आदमी तो जब बार बार चाय कस्टमर पिएगा और उसको एसिडिटी का भी कुछ ये नहीं होगा, जल्दी से जल्दी नहीं हो सकता है ऐसा है। तो ये चाय के टेस्ट डिसाइड करने के बाद हमने 2019 में नांदेड़, श्रीनगर, महाराष्ट्र में ये चाय का खुद का आउटलेट, कंपनी ओन्ड आउटलेट हमने वो ऑपरेट करना शुरू कर दिया, और डे फर्स्ट से ही उसका सेल बढ़ते गया और विद इन 2 मंथ्स 1500 टी कप्स हम बेचने लगे। उसके बाद विद इन 2 to 3 मंथ्स हमने एक फ्रेंचाइजी आउटलेट वहीं पे नांदेड़, महाराष्ट्र में दे दिया, आनंद नगर एरिया में, उसका भी सेल 2000 कप्स पर डे, 2000
2000 कप्स पर डे है, वो भी वो एक दो महीने में ही ऐसा एस्टेब्लिश हो गया। तो जैसे ही हमारे दुकान में चाय की भीड़ दिखने लगी, लोग हमारे से फ्रेंचाइजी मांगने लगे, तो हमने भी उसका पूरा डेवलपमेंट करके लोगों को फ्रेंचाइजी बांटना चालू कर दिया। और विद इन 1 ईयर वी हैव 54 फ्रेंचाइजी आउटलेट्स इन 4 स्टेट्स। इन महाराष्ट्र मैक्सिमम फ्रेंचाइजी आउटलेट्स आर इन नांदेड महाराष्ट्र, देन 20 अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र जैसे कि वाशिम, अकोला, नागपुर, मुंबई, ठाणे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पुणे, ऐसा ऑल ओवर महाराष्ट्र वी हैव 40+ आउटलेट्स। एंड आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र वी हैव 10 to 14 आउटलेट्स। एंड इन पाइपलाइन देर आर 20 आउटलेट्स इन महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो ऐसे विद इन 1 ईयर में ही हमने इतना अचीवमेंट, खाली हमारे चाय के टेस्ट के हिसाब से और चाय के टेस्ट के दम पर इतना मार्केट हमने काबिज किया है। नागपुर में हमारे 7 आउटलेट्स हैं, 3 आउटलेट्स पाइपलाइन में है। नागपुर के जैसे कि तिरंगा चौक मेन चौक है वहाँ का, आनंद नगर में, वहाँ एक आउटलेट है हमारा। बर्डी का इटर्निटी मॉल है, इटर्निटी मॉल के नीचे एक आउटलेट है। उसके बाद गणेश पेट में आउटलेट है, दिघोरी चौक में आउटलेट है, ऐसा पूरे पूरा एरिया ही हमने नागपुर का ये किया है। और अभी जो है बुटीबोरी इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे भी हमारा एक आउटलेट ओपन होने जा रहा है। और ग्लोकल मॉल ओपन होने जा रहा है बर्डी में ही, तो वहाँ पे भी एक आउटलेट हमारा ओपन होने जा रहा है 15th of January को। और नांदेड जो है, नांदेड सिटी में हमारे 14 आउटलेट्स है, और नांदेड डिस्ट्रिक्ट में हमारे और 20 आउटलेट्स है, टोटल 20 आउटलेट्स है, आउट ऑफ टोटल 20 आउटलेट्स इन सिटी देर आर 14 आउटलेट्स एंड 6 आउटलेट्स इन पेरिफेरी। तो ये एक चीज खास क्या है, एक नंबर चाय, इतना जो हमने 1 साल में इसका फ्रेंचाइजी आउटलेट बांटा है, तो इसमें खास क्या चीज है? तो इसमें खास यही है। हेलो हेलो, यस सर, कंटिन्यू। हाँ, इसमें खास तो यही है कि जो चाय का मसाला हमने जो डेवलप किया है वो बहुत यूनिक मसाला है। और चाय का पत्ती तो एकदम क्वालिटी टी पाउडर है, और ये मसाला, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, और उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है, घर में हम क्या करते हैं कि दूध उबालते हैं, उसके बाद चाय पत्ती डालते हैं, शक्कर डालते हैं, चाय रेडी हो गया। तो हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, चाय चाय में इसमें हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाए और टेस्ट भी एकदम बढ़िया रह जाए, इस हिसाब से हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स निकाले हैं। उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहले चाय के पतेला जो रहता है वो पीतल का लेते हैं हम, ठीक है, उससे एक अलग उसका टेस्ट आता है। उसमें हम पानी मिलाते हैं, पानी डालते हैं पहले, जैसे कि 25% पानी डालते हैं, 75% मिल्क और 25% पानी। 25% पानी हम पतीले में पहले डालते हैं, उसको गर्म करते हैं। उससे क्या होगा, जो हम दूध डालने के बाद, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल दूध दूध अगर डालते हैं, तो नंबर ऑफ कप्स जो रहते हैं पर लीटर के, वो प्रोडक्शन कम हो जाता हमारा, नियर अबाउट 1 to 2 कप से वो कम हो जाता, इससे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हमारा कम हो जाता था। तो इसलिए वो भी एक्सपेरिमेंट हमने करके देखे, और उसमें हम प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कैसा बढ़ाए, उसमें भी हमने वो स्टैंडर्ड, हमारा R&D सेंटर भी चालू रहता है, और दिन ब दिन वो चालू ही रहता है हमारा रिसर्च। और इसमें क्या करते हैं, हम पानी डालते हैं पहले, पानी डालने के बाद वो उबालने के बाद फिर उसमें दूध डालते हैं, फिर चाय पत्ती, फिर एक कितने देर उसको उबालना है उसका भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, 7 मिनट तक। उसके बाद चाय पत्ती डालना है, उसके बाद शुगर डालना है 3 मिनट्स के बाद, उसके बाद जो है लास्टली मसाला डाल के एक उबाल में हम वो चाय बना के रेडी हो जाता है। और एट अ टाइम हम मैक्सिमम आउटलेट्स पे हमारे 6 लीटर का 8 लीटर का चाय बनाते हैं, इतना ज्यादा। तो इतना ज्यादा क्यों बनाते हैं, तो विद इन 5 to 10 हमारा चालू रह जाता है। तो इस तरह से अब मैं एक मोटा मोटी आपको है तो समझाता हूँ कि
एक लीटर चाय में कितना मार्जिन रहता है, कितने कप्स बनते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर एक एक नंबर चाय का फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं तो उसका फाइनेंशियल जो है, कमर्शियल जो है, वो आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कैसा निकालते हैं, कैसा रहता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम सपोज समझ लेते हैं कि एक दिन में एक हमारे चाय के आउटलेट पे 100 लीटर्स ऑफ चाय हम बेचते हैं, ठीक है। 100 लीटर्स ऑफ चाय एक दिन में हम बेचते हैं, तो इसको सबसे पहले मिल्क लगेगा। ये बनाने में 100 लीटर्स ऑफ चाय बनाने के लिए क्या खर्चा आता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा। ये खर्चा नियर अबाउट 9,000 आता है। ये कैसा आता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मिल्क लगेगा उसके लिए 75 लीटर्स। उसके बाद जो है शुगर लगेगा आपको 3 kg। चाय का मसाला जो लगेगा ये 200 रुपीज का मसाला लगेगा आपको, 100 रुपीज का। कोई अगर ये साथ साथ लिखना चाहता है और कैलकुलेशन करना चाहता है तो प्लीज कैलकुलेट इट। जिंजर है 100 रुपीज का, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, उसके बाद मसाला हो गया चाय का, ये जिंजर हो गया, शुगर है नियर अबाउट 400 रुपीज का, 3 kg हमने पकड़ लिए है, ठीक है। और 4,000 रुपीज का जो है दूध पकड़ लिए, उसका प्राइस रहेगा 50 to 55 रुपीज पर लीटर, ठीक है। मसाला का 200 रुपये, जिंजर का 100 रुपीज। जो करंट का बिल वगैरह लगेगा आपके, इसको 100 रुपीज का पकड़ लेते हैं। रेंट जो रहेगा आपका 500 रुपीज पर डे का पकड़ रहे हैं हम ये। वाटर बिल 100 रुपीज पर डे। जो गैस जो आपका चला जाएगा वो 400 रुपीज का लगता है 100 लीटर्स के लिए। और एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो हम पकड़ लेते हैं 1,200 रुपीज। 3 to 4 एम्प्लॉय लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मिनिमम 3 एम्प्लॉय और मैक्सिमम 4 एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये टोटल कुल मिला के 9,000 अप्रोक्स हो जाता है। 9,000 रुपीज प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। 100 लीटर्स का चाय अगर आपको बनाना है तो 9,000, मोटा मोटी 8.5 से 9,000 रुपए खर्चा आ जाता है आपको। तो इसमें हम मिनिमम 10 रुपीज पर कप भी चाय बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट कैसा रहेगा हम अपना, ये अब हम देखते हैं। 1 लीटर जो चाय है उसमें 17 कप बनते हैं 1 लीटर दूध के साथ, ठीक है। 17 कप ऑफ टी, जैसे 100 लीटर्स में 1,700 कप चाय बन गए। 1,700 × 10 रुपीज पर कप भी हम कॉस्ट पकड़ते हैं उसका, तो भी 17,000 रुपीज, 17,000 रुपीज पर डे का सेल हो गया अपना, ठीक है। 17,000 माइनस दिस 9,000 रुपीज इज द प्रोडक्शन कॉस्ट, ये अगर हम माइनस कर लेते हैं तो 8,000 रुपीज इज आवर प्योर प्रॉफिट पर डे इफ द सेल इज 100 लीटर्स पर डे। और 100 लीटर्स का सेल कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। हम हमारे ब्रांचेस है, मेन ब्रांच है जहाँ की हम 200+ लीटर ऑफ मिल्क रोज इस्तेमाल करते हैं और उतना दूध हमारा चला जाता है, उतने कप्स हमारे 3,500 कप्स पर डे हम वहाँ पे सेल करते हैं। और जैसा जैसा 100 लीटर्स के आगे आपका सेल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चाय का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। तो इसका मोटा मोटी हम पकड़ लिए तो 50% प्रॉफिट ऑफ मार्जिन यहाँ पे है। 50% एक कप समझो 10 रुपए में आप बेचते हो तो 5 रुपए आपको उसमें मिलना चाहिए, और जो है 5 रुपया जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। और जैसे जैसे आप सेल बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे आप दूध ज्यादा जाता रहेगा वैसा वैसा जो है रेंट एम्प्लॉय कॉस्ट ये फिक्स रहेगा और बाकी के एक्सपेंसेस रहेंगे, बाकी ये एक्सपेंस तो नहीं होगा, इसलिए प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है हमारा बढ़ जाएगा। ये हो गया चाय के लिए कितना खर्चा लगता है, कितना ये लगेगा आपको
ये सब हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद अभी हम इन्वेस्टमेंट का देखते हैं कि एक फ्रेंचाइजी आउटलेट आपको अगर डालना है तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या करना पड़ेगा, जगह कैसे देखनी पड़ेगी, कौन से टाइप का जगह, वो सब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से हमने लोगों को बिजनेस दिया है, नियर अबाउट 5.5 लाख रुपीज इतना टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। उसमें एक फ्रेंचाइजी आउटलेट आप डाल सकते हो 5.5 लाख रुपीज। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ये 5.5 लाख रुपीज में 3.5 लाख रुपीज इंटीरियर प्लस किचन इक्विपमेंट्स वगैरह ये सब हो गया, सेटअप कॉस्ट हो गया, और 2 लाख रुपीज प्लस टैक्सेस इज आवर फ्रेंचाइजी फीस, ठीक है। ये 3.5 लाख में हम आपको क्या क्या देंगे, तो इसमें जो है आपका 200 स्क्वायर फीट का जो दुकान है, शॉप है, उसका हम पूरा इंटीरियर बना के देंगे। इंटीरियर में वॉल पुट्टी है, कलर है, उसके बाद सीलिंग का ये है, वॉल पेपर्स है, ये सब चीजें हैं, और किचन इक्विपमेंट्स है बड़े बड़े, जैसे कि स्टेनलेस स्टील में 304 मटेरियल में किचन इक्विपमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 2 बर्नर रेंज हो गया, 2 यूनिट सिंक हो गया, उसके बाद सिंक का रैक हो गया, सर्विस काउंटर हो गया, स्टेनलेस स्टील में ही है, सर्विस ट्रे हो गए, टेबल्स हो गए, कैश काउंटर, चेयर्स हो गए, आपको 20 चेयर्स देते हैं हम, 4 छोटे टेबल्स देते हैं राउंडिंग टेबल जो कि बैठ के हम चाय पी सके, और स्टैंडिंग के लिए कुछ कस्टमर स्टैंडिंग चाय पीते हैं तो उसके लिए स्टैंडिंग टेबल्स भी देते हैं। तो ऐसा कुल मिला के जो है किचन इक्विपमेंट, उसके बाद इंटीरियर हो गया, सीसीटीवी कैमरा सेटअप हो गया, ये पूरा जो सेटअप हम 3.5 लाख में देते हैं, और 2.2 लाख रुपीज प्लस टैक्सेस इज आवर फ्रेंचाइजी फीस। तो इतने मिनिमम 5.5 लाख इन्वेस्टमेंट में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो है आपको हमें कुछ इसमें रॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं देना है, वो जो प्योर प्रॉफिट रहेगा वो आपका ही रहेगा, खाली वो जो चाय पत्ती है और मसाला है उसमें ही चाय का यूनिक टेस्ट है, वो आपको हमारे से जो रिकरिंग है वो खरीद के लेना पड़ेगा, यही है। और वो जो है उसकी सर्विस ऑल ओवर इंडिया में हम देते हैं, ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं, ये करते हैं, विद इन 7 डेज आपको कहाँ पे भी माल मिल जाएगा। तो ये हो गया, और उसके बाद जो है हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का आपका ट्रेनिंग रहेगा, जैसे कि हम एम्प्लॉय जो है आपके, आप हमारे पर तरफ भेजना है, नहीं तो हमारा एक एम्प्लॉय आपके पास आएगा 7 दिन के लिए, वो आपको ट्रेनिंग देगा चाहे कैसा बनाने का है, क्या है सब, वो जो 3 to 4 टाइप्स ऑफ हमारी, जैसे कि एक नंबर है, उसके बाद कारण टी है, जागरी टी है, ये चारों टी के जो है ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, और ट्रेनिंग लाइफ टाइम आपको फ्री रहेगा, उसमें से हम कुछ आपको पेमेंट वगैरह नहीं लेते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, और ऑन साइड भी ट्रेनिंग हमारा है, उसका कुछ ट्रेनिंग का चार्जेस दे के आपको, जैसे कि वो एम्प्लॉय का चार्जेस ट्रेनर का वो देखिए आपको ऑन साइड भी मिल सकते हैं, जैसे कि आप समझो आप है हैदराबाद में, आप हैदराबाद में आपके शॉप पे ही ऊपर से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो हम हमारा जो है ट्रेनर आपके पास पहुंचा देंगे, उसका रहना खाने का इंतजाम आप करेंगे, और उसको 7 दिन में आपके एम्प्लॉय को जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी हम ट्रेन कर देंगे। तो ये रहेगा ट्रेनिंग का, उसमें अलग से आपको कुछ पैसा पेड नहीं करना पड़ेगा, और ये जो फ्रेंचाइजी टर्म है 3 3 ईयर्स 20,000 रुपीज ओनली, रिन्यूअल के लिए भी हम आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, 20,000 जो कुछ खर्चा आता है उसको रजिस्ट्री के लिए उसका और प्रोसेसिंग फी के लिए, उतना ही 20,000 आपको देना है और कंटिन्यू करना है आपका आउटलेट। अभी आउटलेट सर्च करने में, जैसे कि जगह सर्च करने में, किसी को हैदराबाद में अभी जगह चाहिए ये आउटलेट ओपन करना है तो क्या होगा, हमारे तरफ से क्या असिस्टेंस होगा, तो आप एक 10-12 लोकेशंस सिटी के मेन मेन एरिया में अगर आप देखते हो तो हमारा टीम उधर आएगा, और आपको प्रोक्योरमेंट टीम आएगा और वो प्रोक्योर करके देगा, जैसे कि लोकेशन कैसा ठीक रहेगा वो सब वहां पे फिजिकली देख के क्रॉस चेक करके हमारा टीम आपको एक 4-5 आउटलेट में से 1-2 आउटलेट ऐसे बताएगा कि वो ये करना यहाँ पे ठीक रहेगा।
जैसे अभी स्कूल कॉलेज रहते हैं, पीजीज रहते हैं, कुछ ऑफिसेस रहते हैं गवर्नमेंट के, बैंक्स रहते हैं, उसके बाजू में कोई सिटी का बड़ा चौराया रहता है, वहां पे पार्किंग का अच्छा प्रोविजन रहता है, तो वो एरिया में ये चाय का आउटलेट डालना अच्छा रहता है। और उसके लिए पूरा सपोर्ट हम करेंगे, हम आपको लोकेशन सर्च करने के लिए भी सपोर्ट करेंगे और सर्च किए हुए लोकेशंस को फाइनलाइज करने में भी हम आपका हेल्प करेंगे। और ये जैसे ही होता है, और इसके लिए 100 100 तो नहीं, 200 टू 400 स्क्वायर फुट का जगह चाहिए, मिनिमम 200 स्क्वायर फुट, जैसे कि 10 बाय 20 का कमरा है वो भी चल जाएगा। और ये जो है ग्राउंड फ्लोर में रहना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर प्लस फर्स्ट सेकंड फ्लोर में नहीं चलेगा, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर में रहे तो अच्छा रहेगा, 200 स्क्वायर फीट का ये रहेगा। जैसे कि मॉल है, तो मॉल में अगर आप फर्स्ट सेकंड फ्लोर कहाँ फूड प्लाजा वगैरह है वहाँ ओपन कर सकते हो। तो ऐसा ही 5.5 लैक्स इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ आवर ब्रांड विथ इंक्लूडिंग फ्रेंचाइजी फीस ऑल्सो। तो ये सब हो गया मेरे तरफ से मेरे ब्रांड